आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज व्हिच इज एग्जिस्टिंग एज ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म। अब ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म वो होती है जिसमें हमारे पास प्लेन और सिमेट्री प्रेजेंट हो। प्लेन और सिमेट्री हमारे पास क्या होती है? जिस कोई भी हम कोई भी प्लेन पास करें किसी भी मॉलिक्यूल में से, तो वो टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए। ठीक है, टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए तो होता है हमारे पास ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म होती है। पहला है FeEn thrice Cl thrice, ये है FeEn thrice Cl thrice। ठीक है, अभी थाइलिन डायमिन एक बाइडेंटेट लिगेंड है हमारे पास, बाइडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, जिसकी डोनर डोनर साइड नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन होती है, इसका स्ट्रक्चर होता है ये इसकी डोनेटिंग साइड है, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन। ठीक है, तो जो इसका अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो FeEn, ओके EN और ये EN, ये तीनों जो हमारे पास लिगेंड, ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में होते हैं, ये XY, ये YZ और ये ZX प्लेन में होता है। तो कोई भी जब मैं यहाँ से प्लेन पास करने की कोशिश करूंगा तो वो इनको इक्वल हाफ से डिवाइड नहीं हो जाएंगे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में प्रेजेंट होते, तो इसलिए कट नहीं हो पाते, तो प्लेन उसमें प्रेजेंट नहीं होते, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते और ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म है ये। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर RHCl PPH3COH2O, RHCl PPH3H2O एंड CO। अब हम देखें RH हमारे पास 4D सीरीज का एलिमेंट है। ठीक है, और 4D सीरीज और 5D सीरीज के जो एलिमेंट होते हैं हमारे पास, जो हमारे पास मेटल एटम होते हैं, सॉरी 4D या 5D सीरीज के जो मेटल एटम होते हैं, जो भी हमारे पास, और क्लोरीन PPH3H2O और कार्बन के हमारे पास चारों मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। तो जब भी ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हो तो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं, ऑलवेज स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर 4D सीरीज या इनके हम 4D या 5D सीरीज की बात करते हैं, इनका साइज बहुत लार्जर होता है, लार्जर साइज, जिससे कि हमारे पास जो इंटरेक्शंस विद लिगेंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है, इसकी वजह से हमारे पास जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, और CFS इंक्रीज होती है, और इतनी इंक्रीज होती है कि वो पेयरिंग एनर्जी से बड़ी हो जाती है, इसलिए पेयरिंग एनर्जी से बड़ी होती है। तो ये हमेशा हमारे पास जो है स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं, जब भी RH की जो है वो RH जब प्लस वन में हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए तो RH प्लस वन में, क्योंकि X मान लीजिए RH को क्लोरीन पे चार्ज माइनस वन, प्लस PPH3 पे जीरो, कार्बन पे जीरो, H2O पे जीरो, इक्वल टू कॉम्प्लेक्स पे जीरो, तो X आ जाएगा प्लस वन में, और RH प्लस वन में आए तो 4D8 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, और ये हमेशा स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, आउटर मोस्ट 4D8 होती है RH प्लस वन की, तो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये देखिए CO PPH3, ठीक है, CO PPH3 H2O और Cl। तो जब भी हम देखिए कोई प्लेन यहाँ से पास करेंगे जो मॉलिक्यूलर प्लेन में से, सारे जो मॉलिक्यूल्स प्लेन में प्रेजेंट वो इक्वल हाउस में कट हो जाएंगे, तो प्लेन और सिमेट्री प्रेजेंट, और ये ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म नहीं शो कर पाएगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म है। ओके, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग, ये ऑप्शन हमारे पास जो है ऑप्टिकल इनएक्टिव है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर है PdEnCl2, प्लेडियम पैलेडियम EnCl2, अब पैलेडियम जो है हमारे पास, अगर हम देखें तो पैलेडियम जो हमारे पास, वो हमारे पास जो है 4D सीरीज का ही एलिमेंट, ये हमारे पास मेटल एटम भी, ठीक है, और इथाइलिन डायमिन बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है, बाइडेंटेड लिगेंड है, तो दो जगह से जुड़ेगा ये, और क्लोरीन दो है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 4D सीरीज का एलिमेंट हो तो हमारे पास पता है स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। तो अब एक चीज देखिए, पैलेडियम Cl EN ऐसा स्ट्रक्चर होगा, तो जब हम कोई प्लेन
मॉलिक्यूलर प्लेन में से पास करें तो सारे मॉलिक्यूल इक्वल हाफ में कट हो जाएंगे, तो POS प्रेजेंट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो कर पाएगा और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म होगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो भाई। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी इसका ठीक है, ये ऑप्शन भी ठीक है। फिर है एन ए बी, दो डोनेटिंग साइट है, एक यहाँ से ऑक्सीजन डोनेट करें, यहाँ से ऑक्सीजन डोनेट करो, ये दो है, तो ये जब डिसोसिएट होगा तो ये एन ए पॉजिटिव प्लस बी, मैं सिर्फ डोनेटिंग साइट को दिखा रहा हूँ भी, ठीक है, ये ऐसे टू ठीक है, और ये नेगेटिव में, तो अगर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले हम यहाँ पे, तो बोरॉन को एक्स मान लीजिए, और ये देखिए दो दो, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो एक जो लिगेंड पे दो नेगेटिव चार्ज है और दो है, तो माइनस चार इज इक्वल टू माइनस वन, तो एक्स आएगा प्लस थ्री में, बोरोन आ गया प्लस थ्री में, ठीक है, बोरोन की आउटर मोस्ट जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है वन एच टू टू एच टू टू पी वन, तो हो जाएगा वन एच टू प्लस थ्री में जाएगा, ठीक है, तो जब ये अपने डोनेट करेंगे बोरोन प्लस थ्री में वन एच टू टू एच टू, ये टू पी टू एस और ये वन एस, इसका वन एस तो फुली फिल्ड है, ठीक है, तो और जब वो लीगेंड है वो अपने पेयर डोनेट करेगा, एक ऑक्सीजन ने यहाँ किया, एक ऑक्सीजन ने यहाँ किया, तो एक लीगेंड ने यहाँ डोनेट किया, दूसरे लीगेंड ने यहाँ पे डोनेट कर दिया, ठीक है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है तो दो प्लेन में और एक प्लेन के बाहर और एक दूसरी साइड, तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये तो बोरोन, ठीक है, ये एक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ठीक है, ये सी ओ ओके, और ये ऐसे, ये मैंने ऐसे दिखा दिया, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास एक फिनाइल रिंग थी फिर दोनों से जुड़ी, ठीक है, और एक हमारे पास हो गया प्लेन में, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है, सी ओ ओके, और ये ऐसे, ठीक है, ये हमारे पास हो गया ये वाला, ठीक है, हमारे पास ये आ गया स्ट्रक्चर, ठीक है, अब हम देखें टेट्राहेड्रल है ये, अगर मैं कोई प्लेन जो ये प्लेन पास करता हूँ, ठीक है, ये वाला ओके, ये प्लेन पास किया हमारे पास, जो हमारे पास था जो ये सी ओ, ये वाला प्लेन, ये जो मॉलिक्यूल था पूरा, ये वाला लिगेंड था, इसको प्लेन में कट कर देगा हाफ में, लेकिन इसमें देखे तो उस साइड ऑक्सीजन है, इस साइड ऑक्सीजन है, लेकिन उस साइड हमारे पास सीओ बचा, इस साइड सीओ नहीं है, तो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हुए, तो प्लेन ऑसिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म होगी, ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म होगी, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म है, इसीलिए ये हमारे पास नहीं, ये भी आंसर इनकरेक्ट होगा, तो इसके जो ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म है वो है बी एंड सी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।